जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। जो सीक्वल आ सकता है बॉयकॉट के निशाने पर, किस तरह करण ने रुलाया छोटी अंजलि को। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सीक्वल या रीमेक बनाना ये तो एक रिवाज है ही, जिसे बड़ी शिद्दत के साथ सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। पर फिल्में बॉयकॉट होना, ऑडियंस के निशाने पर आना, अब ये रिवाज ऑडियंस की तरफ से शुरू हो चुका है और ऑडियंस को भी कोई दिक्कत नहीं है इस रिवाज को आगे बढ़ाने में। जी हाँ, वैसे जिन फिल्मों का बोलबाला होता है या टीजर ट्रेलर के द्वारा चर्चा की जाती है, उससे तो साफ होता है कि कौन से फिल्म बॉयकॉट की जा सकती है। पर जो फिल्म अभी तक नहीं आई, उसे लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। दोस्तों, अब जो मैं आपको नाम बताने वाली हूँ फिल्म का, ना उसे सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन आपको वो नाम बताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वो नाम है कुछ कुछ होता है 2। जी हाँ, दरअसल जिस तरह से बॉलीवुड स्टार्स अपने विवादित बयानों की वजह से टारगेट हो रहे हैं, उनकी फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं, उसी तरह फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर भी आसानी से टारगेट हो सकते हैं, और वो होते भी हैं। जब से इस फिल्म के सीक्वल की बात सामने आई है ना, ऑडियंस के दिल में यही सवाल है कि क्या इस बार भी स्टार किड्स की ही लॉटरी लगेगी, क्या इंडस्ट्री पारिवारिक रिश्तों की वजह से चल रही है या टैलेंट से। ऐसे कई सारे सवाल है, क्योंकि आर्यन खान, सुहाना खान, सोहाली खान, शनाया कपूर, अनन्या पांडे, ये जितने भी नाम है ना, इन सबको सुनकर ऑडियंस भड़क उठ रही है, क्योंकि ये सारे ही बड़े स्टार्स के बच्चे हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्टार किड के अंदर अगर कोई टैलेंट ना भी हो, तब भी उन्हें देखना ही पड़ता है, और ऊपर से उनके टेंट्रम्स बहुत होते हैं, और ये बात जानते हुए भी करण जानबूझकर उन्हें ही कास्ट करते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। अब विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर को लेकर भी करण को निशाना बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कमाल आर खान, जो अपनी राय रखने में हिचकिचाते नहीं है, उन्होंने ट्विटर पर करण से कहा कि करण सर, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, पर इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि करण टैलेंटेड लोगों को बढ़ावा दे और उन्हें ही फिल्म में कास्ट करे, क्योंकि अभी ऑडियंस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वैसे थोड़े सीरियस माहौल से अब हम बाहर निकलते हैं। आपको पता है कि हमारी जो अंजलि है, छोटी अंजलि और बड़ी अंजलि, दोनों को भी कैमरे के सामने रोने में दिक्कत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, छोटी अंजलि यानी सना सईद को जब इमोशनल सीन्स दिए जाते थे, तब वो रो नहीं पाती थी और ना ही वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए करण जौहर उन्हें सेट पर थोड़े से डांटते थे ताकि उसे बुरा लगे और वो रोए, फिर उसी के साथ सीन को शूट किया जाता था। वहीं दूसरी ओर बड़ी अंजलि यानी काजोल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि उन्हें डांट नहीं सकते, पर उन्हें भी इमोशनल सीन्स करने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर उन्हें कुछ देर तक उस किरदार में घुसकर उसे अपने अंदर लाने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि काजोल का कहना है कि वो इमोशनल इंसान नहीं है, इसीलिए उन्हें ये सब कुछ चैलेंजिंग लगता है। तो जब भी आप कुछ कुछ होता है फिल्म में अंजलि को देख कर रोते है ना, तब याद रखिएगा कि उस रोने के पीछे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या करण जौहर खुद में सुधार लाएंगे, क्या सीक्वल पर कोई असर होगा? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करें।